मेरे प्यारे साथियों, सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि साथियों आप लोग जानते हो, मेंसुरेशन का टॉपिक आपका चल रहा है और जिसके अंतर्गत हम त्रिभुज संबंधी क्वेश्चनों की चर्चा कर रहे हैं। इसकी दो क्लासें हमने आप लोगों को प्रोवाइड करा दी हैं। अगर आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखी तो उनको एक बार जरूर देख लेना। तो स्टार्ट करते हैं साथियों आज का सेशन। क्लास स्टार्ट करने से पहले जितने भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करने आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर लें ताकि आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। और जो भी साथी हमारे परिवार से पहले जुड़ चुके हैं वो वीडियो को लाइक कर दें। तो स्टार्ट करते हैं साथियों आज के सेशन का पहला क्वेश्चन, देखते हैं क्या रहेगा। सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं साथियों। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा उस वृत्त की त्रिज्या के बराबर है इसका क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो समझते हैं साथियों, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज, ये कोई समबाहु त्रिभुज है साथियों, ये कोई समबाहु त्रिभुज है और इसकी प्रत्येक भुजा किसके बराबर है, 154 वर्ग सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्ग के बराबर है। यानी कोई वृत्त है साथियों का क्षेत्रफल 154 है, इसकी जो भी त्रिज्या है वो इस त्रिभुज की भुजा है। यानी ए किसके कुल है साथियों, आर के कुल है, ठीक है ना। तो आर हमें इस वृत्त के क्षेत्रफल से निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे साथियों, जैसे आप जानते हो क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, यानी वृत्त का क्षेत्रफल इसके बराबर होता है। अगर मैं पाई की वैल्यू खोलूं 22/7 हो जाएगी और यहाँ क्या है आर स्क्वायर, क्लियर है ना। एक कोलों क्या है 154, 22 इसको काट देगा साथियों सात बार। सात को जब मैं इधर ले जाऊंगा तो 7 × 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा बराबर आर स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर 49 के बराबर है, तो आर किसके बराबर होगा था ना, 7 के बराबर हो जाएगा, के बराबर होगा 7 के बराबर। तो आप कह सकते हो त्रिज्या जब मेरी 7 है तो इस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 7 होगी, यानी ए किसके बराबर होगा 7 के होगा, क्लियर है ना। तो इस तरह से मैंने समबाहु त्रिभुज की भुजा ज्ञात कर ली। उसने पूछा इसका क्षेत्रफल बताओ, तो इसका क्षेत्रफल साथियों आप जानते हो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है इसके कुल होता है, ये होता है साथियों √3/4 भुजा स्क्वायर के बराबर होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर के बराबर। तो देखो √3/4 है, भुजा मेरी निकल के कितनी आई थी 7 आई थी साथियों, तो 7 का वर्ग ना भुजा स्क्वायर तो 49 हो गया। तो इसको ले सकते 49√3/4। तो क्वेश्चन आपका सेंटीमीटर में चल रहा है तो इसको बोलेंगे वर्ग सेमी, यानी सेमी स्क्वायर भी बोल सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। तो बड़े आसानी से आप लोग इसको ज्ञात कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्योंकि नेटवर्क काफ़ी डाउन था इसलिए मैं आपको ऑफलाइन वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ। जैसे अगला क्वेश्चन है साथियों, किसी त्रिभुजाकार क्षेत्र भुजाओं की माप 30 मीटर 72 मीटर तथा 78 मीटर है। मैं 72 मीटर माप वाली भुजा के शीर्ष लंब की लंबाई होगी
तो शीर्ष स्लंब की लंबाई क्या होगी? ऑप्शन इसमें 25 मीटर, 28 मीटर, दो ही ऑप्शन है, ठीक है ना, दो ऑप्शन इसमें नज़र नहीं आ रहे हैं, तो वो टाइप करना भूल गया होगा। तो ज़रूरी नहीं कि इन दो ऑप्शन में आपका आंसर मिल जाए, ठीक है ना, कुछ अलग भी हो सकता है, तो देखते हैं साथियों, है ना। तो ध्यान देना साथियों, 30 मीटर, 72 मीटर और 78 मीटर, जैसे कोई त्रिभुज है, ज़्यादा दिमाग आप लोगों को नहीं लगाना है कौन सा त्रिभुज है, तो डायरेक्ट सॉल्व करना चालू कर दो, है ना। ये हो गया 30, ये हो गया 78 और ये हो गया साथियों 72। यानी क्या पूछा है, 72 मीटर माप वाली, ये वाली भुजा के शीर्ष लंबे की लंबाई, शीर्ष ये हो गया और शीर्ष लंबे की लंबाई ये वाली उसने पूछी है, यानी ये हाइट उसने पूछ ली है, क्लियर है ना। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन होगा साथियों, तो सबसे पहले आपको क्या ज्ञात करना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, पहले मैं इस क्वेश्चन को उठा देता हूँ। तो देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है, त्रिभुज कौन सा है, ये पूरा त्रिभुज है साथियों, विषमबाहु त्रिभुज है ना। तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है पता है, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो एस की वैल्यू क्या होगी, एस बोलते अर्धपरिमाप, अर्धपरिमाप का मतलब है एस की जब आपको वैल्यू निकालनी है तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, ठीक है ना। ए बी सी क्या है, भुजाएं साथियों, तो इन सभी को जोड़ देना है, प्लस 78 प्लस 72 डिवाइड बाय 2। जब इन सभी को जोड़ा जाएगा तो ये आ जाएगा साथियों 180 डिवाइड बाय 2, और दो इसको काट देगा साथियों, तो 90 आपकी अर्धपरिमाप निकल आया है ना। तो यहाँ फिल कर देता हूँ साथियों में, 90 एस माइनस ए यानी 90 माइनस बेहतर कर लेते हैं, 90 माइनस बेहतर, 90 माइनस 78 कर लेते हैं अब, ठीक है ना, तेरे 90 माइनस 30 कर लेते हैं। और इस पे लगा हुआ है क्या, रूट, ध्यान रख, क्लियर। अब देखो 90 टू इसे जब इसको उठाऊंगा कितना आएगा, 18 आएगा, 90 में से जब 78 कम करूँ कितना आएगा, 12 आएगा, 90 में 30 कम करूँगा तो कितना आएगा, 60 आएगा, ठीक है ना। इस तरह से आगे हम बात करें साथियों, 90 को ले सकते हैं 18 × 5, तो मैंने तोड़ दिया, 18 को 18 रहने देते हैं, 12 को 12 रहने देते हैं, इसको तोड़ देते हैं, 12×5=60 है ना, तो 12×5=60। और मैंने क्यों तोड़ा है पता है, इसमें जोड़ों का निर्माण हो गया साथियों, इसलिए मैंने इसको जोड़ा है ना। तो जब भी रूट में जोड़े बन के आते हैं तो जोड़े को बाहर निकाला जा सकता है। तो देखो इसमें से क्या निकल के आएगा, 18 5 निकल आएगा, ये था 5 5 1 5 ये 5 निकल आएगा, और 12 और यहाँ भी 12 है ना, तो 12 निकल आएगा। तो 12×60 × 18 करोगे तो ये हो गया 1080 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा साथियों वो इतना हो जाएगा, बताओ कोई दिक्कत। अब दूसरी बात और समझते हैं, तो देखो साथियों, अगर तुम्हें किसी त्रिभुज की हाइट मालूम हो, क्या मालूम हो, हाइट मालूम हो और आधार मालूम हो, तो भी आप उसका क्षेत्रफल बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। यानी त्रिभुज की हाइट आपको मालूम हो और आधार मालूम हो, उससे किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है, चाहे वो समबाहु त्रिभुज हो, चाहे विषमबाहु त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज होता है, ठीक है ना।
तो देखते हैं साथियों, तो इसका क्षेत्रफल हम इसके माध्यम से निकाल सकते हैं। अगर हम दूसरे फॉर्मूले की बात करें, एक बट्टा दो आधार गुणा ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई, इसके माध्यम से भी हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब देखो, चाहे इस फॉर्मूले से इसका क्षेत्रफल निकालो चाहे इस फॉर्मूले से, तो आंसर तो 1080 ही आएगा, ठीक है ना। आंसर कितना आएगा, 1080 ही आएगा, क्योंकि क्षेत्रफल जब एक ही त्रिभुज का निकाल रहा हूं तो किसी भी कॉन्सेप्ट से निकालो तो क्षेत्रफल तो उतना ही रहेगा ना। तो इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग भी क्षेत्रफल उतना आएगा। तो यहाँ क्षेत्रफल ले सकता हूं मैं 1080 बराबर 1/2 गुणा आधार, आधार कितना है इसमें 72 है, गुणा ऊंचाई, चाहे तो मैं मालूम ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इसके माध्यम से मैं हाइट निकाल रहा हूँ साथियों, इसकी हाइट निकल आएगी, है ना। तो 72 इसको काट देगा साथियों 15 बार, 2 का इंटू जब इसमें करोगे 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30, तो 30 यानी हाइट। तो आप कह सकते हो साथियों, इस त्रिभुज की जो हाइट होगी वो होगी 30, क्या होगी 30 होगी। तो उम्मीद करता हूँ साथियों यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो जाना चाहिए, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन क्या है, किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ध्यान देना साथियों, कि किसी त्रिभुज की भुजाएं 3, 4, 5 हैं, तो सीधी बात है ये तो आपका कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ये 3 है और ये 4 है और तो ये 5 है, क्लियर ना। आगे कहा है इन त्रिभुजों की भुजाओं की, इसकी भुजा ये है कि मध्य बिंदु, इसका इस भुजा का मध्य बिंदु ये हो गया, इस भुजा का मध्य बिंदु साथियों ये हो गया, और इस भुजा का मध्य बिंदु हो गया साथियों ये, ठीक है ना। मध्य बिंदुओं को मिलाने पर, तरह से मिलाने से त्रिभुज का निर्माण हुआ। तो उसने पूछा है मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी इसका क्षेत्रफल उसने पूछा, क्लियर है ना, इसका क्षेत्रफल उसने पूछा है। तो साथियों इसका क्षेत्रफल बड़े आसानी से आप लोग निकाल सकते हो, क्लियर है ना। वो कैसे निकाल सकते हो, क्योंकि ध्यान देना साथियों, ये भुजा कितनी है 5 सेंटीमीटर है, तो इसके सामने यानी ये मध्य बिंदु के सामने वाली भुजा ये हो गई, ठीक है ना। जब ये 5 है तो ये होगी साथियों 2.5 हो जाएगी, ये वाली भुजा कितनी होगी 2.5, क्लियर है ना। तेरे साथियों ये भुजा हो जाएगी आपकी, ये 3 है, ये वाली 3 है, इसके सामने वाली भुजा ये हो गई, ठीक है, तो ये कितनी होगी 1.5 होगी, आधी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी आधी। ये 4 है तो ये कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, यानी आप कह सकते हो मध्य बिंदु के सामने वाली भुजा का आधा ये वाली भुजा हो जाती है। जब 5 ये है तो ये 2.5 की हो जाएगी, ठीक है ना, जब ये 4 है तो ये 2 हो जाएगी, जब ये 3 है तो ये 1.5 हो जाएगी। तो ये भी एक क्या होगा साथियों, एक समकोण त्रिभुज निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, समकोण त्रिभुज, ठीक है ना। तो 1.5 में इसको लिख रहा हूँ, ठीक है ना, और 2 में से लिख रहा हूँ और 2.5 में से, क्लियर है ना। तो क्षेत्रफल पूछा है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो जब भी इसका क्षेत्रफल निकालना है तो ये क्या बन गया, समकोण त्रिभुज हो गया साथियों, है ना। तो समकोण त्रिभुज क्या बोलता है, 1/2 आधार टू तो ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है 2 है, ठीक है ना। तो 2 से ये 2 कट गया, कट गया नहीं कट गया, तो कितना बचा 1.5 बचा, इसको क्या बोलूंगा 3/2 बोलूंगा, कितना बोलूंगा 3/2।
तो इसका जो क्षेत्रफल होगा 3/2 हो जाएगा सेमी स्क्वायर, यानी ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन थर्ड इसका आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है ना। तो बने त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी इस वाले हिस्से का क्षेत्रफल इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोगों को पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने जाकर एक त्रिभुज बनाया गया, ऐसा ही क्वेश्चन है। इस नए त्रिभुज के क्षेत्रफल और मूल त्रिभुज के शेष भाग के क्षेत्रफल में अनुपात क्या होगा, तो ध्यान देना साथियों। यानी क्वेश्चन तो थोड़ा थोड़ा ऐसा ही है, यानी ये कोई त्रिभुज है, भुजा तो आपके दी नहीं उसकी, है ना। तो केवल कहा है कि ये त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक त्रिभुज बनाया गया है, ठीक है ना। तो पूछा है कि इस त्रिभुज और शेष बचे त्रिभुज, इस बचा ये वाला हिस्सा का रेशियो क्या होगा। तो सब ध्यान देना साथियों, जब ये त्रिभुज बनता है ना, तो जितने भी हिस्से बनते हैं तरह से, तो इन सभी का क्षेत्रफल बराबर होता है। इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल कैसा होगा, बराबर होगा, क्लियर है ना। तो आप कह सकते हो इस अगर पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 4 यूनिट है, कितना है 4 यूनिट, तो साथियों इस वाले हिस्से का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी मध्य बिंदुओं को मिलाने से, मध्य बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1 यूनिट, कितना होगा 1 यूनिट होगा, क्लियर है ना। कहने का मतलब अगर ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट और ये 1 यूनिट, तो 4 यूनिट हो जाएगा पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्लियर है ना। 4 यूनिट पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो अगर इसका ही पूछता है तो इसके बट में आ रहा है केवल 1 यूनिट आ रहा है, कितना आ रहा है 1 यूनिट, क्योंकि जब भी मध्य बिंदुओं को मिलाया जाता है किसी त्रिभुज में, तो मध्य बिंदुओं को मिलाने से बना त्रिभुज जो भी होगा वो इसका 1/4 होगा, यानी 4 हिस्से हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, तो 1/4 बोलूंगा, ठीक, क्या बोलूंगा 1/4, क्लियर है ना। तो इसका मतलब अगर पूरे का क्षेत्रफल 4 यूनिट है तो इसका क्षेत्रफल हो गया 1 यूनिट, क्लियर ना। अब देखो उसने पूरे क्षेत्रफल और मध्य बिंदुओं से बने त्रिभुज के क्षेत्रफल में रेशियो तो पूछा नहीं है, उसने पूछा शेष भाग। अब बताओ जब पूरा 4 यूनिट का है, अगर इसको मैं घटा देता हूँ तो शेष भाग रहेगा 3 यूनिट, इतना रहेगा 3 यूनिट रहेगा शेष भाग, ठीक है ना। यानी 3 यूनिट ये, 1 यूनिट ये, तो तभी तो 4 यूनिट बनेगा ना। तो उसने पूछा है नए बने त्रिभुज का क्षेत्रफल और शेष भाग ये रह गया में क्या रेशियो है। तो आप कह सकते हो 1:3 का रेशियो है, कितने का रेशियो हो जाएगा 1:3 का, तो आप कह सकते हो ऑप्शन सेकंड, ठीक है ना, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। और वैसे भी साथ ही इससे पहले वाला जो क्वेश्चन कराया था, ठीक है ना, पहले वाले क्वेश्चन को इसके बेस से ही आसानी से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, जैसे यहां दिया था 5, यहां 2, यहां 3 और यहां था 4। अगर मैं पूरे के क्षेत्रफल निकालूं साथियों, तो पूरे का क्षेत्रफल होता है 1/2 3×4, ये हो गया, क्लियर है ना। उसने पूछा केवल इस हिस्से का क्षेत्रफल, तो ये कितना होता पता है, इस पूरे क्षेत्रफल का 1/4 होता है, तरह से, क्लियर ना। अब देखो 4 से 4 कट जाएगा, अगर मैं 2 की डिवाइड 3 में दूंगा तो 3/2 बोलूंगा, नहीं बोलूंगा, तो ये कितना हो जाएगा 3/2,
तो यही तो आंसर था हमारा। कॉन्सेप्ट वही है, केवल समझने समझने का ढंग अलग है। क्लियर है ना? तो उम्मीद करते हैं साथियों क्वेश्चन क्लियर हो जाना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की ऊंचाई 10% बढ़ा दी गई, तदनुसार उस त्रिभुज का आधार कितना कम करना होगा ताकि त्रिभुज का क्षेत्रफल अपवर्तित रहे। ठीक है ना? तो इसको आप ट्रिक के माध्यम से और कॉन्सेप्ट के माध्यम से भी बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यानी जब किसी त्रिभुज की ऊंचाई बढ़ाई गई है तो आधा कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए ताकि क्षेत्रफल अपवर्तित रहे। तो कितनी बढ़ाई है? 10 बढ़ाई है ना। अगर क्षेत्रफल अपवर्तित करना है तो 100 + 10 कर देना है, इंटू कर देना है 100। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा 10/110 × 100। 0 कैंसिल, 11 की डिवाइड जब इसमें दूंगा तो 9 सही, 1/11% आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो गई? ये हो गई साथियों आपकी ट्रिक। ठीक है ना? जब भी इस तरह का क्वेश्चन होता है, मगर साथियों हमें सीखना है कॉन्सेप्ट, है ना? कॉन्सेप्ट सीखना है तो कॉन्सेप्ट क्या रहेगा वो समझते। जैसे बात करें साथियों, मैं कोई एक त्रिभुज ले रहा हूँ इस तरह से। क्लियर है ना? चलो समकोण त्रिभुज ही ले लिया मैंने, 5 3, चलो 4 ले लेते हैं यहाँ पर, यहाँ लिख लेते। क्लियर है ना? अब बताओ इसका क्षेत्रफल कितना होगा। वैसे अगर मैं इसके क्षेत्रफल की बात करूँ साथियों, तो इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 गुणा आधार गुणा लंब, तो 3 × 4, तो 2 बार कट जाएगा तो कितना आएगा? 6 आएगा। वैसे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? 6 है। क्लियर है ना? तो उसने पूछा है अगर इसकी लंबाई को यानी ऊंचाई को बढ़ा दिया जाए कितना परसेंट? 10%। ठीक है ना? तो इसका मतलब इसका जब इसमें 10% बढ़ाऊंगा तो 10 का 10% होता है साथ ही 0.4। तो ये नई हो जाएगी, ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी? नई वाली 4.4 हो जाएगी। यानी कहने का मतलब है 4 के स्थान पर 4.4 हो जाए। तो इसका बेस आधार कितना कम कर दिया जाए तो मालूम नहीं है। चलो तो सपोज करते एक्स कम कर दिया जाए, है ना? इतना कर दिया जाए ताकि क्षेत्रफल अपवर्तित रहे। यानी पहले भी क्षेत्रफल 6 था, अब भी इतना ही रहना चाहिए। ठीक है? तो अब कितना होना चाहिए? इतना ही होना चाहिए। तो आप कह सकते हो क्षेत्रफल होना चाहिए 6 कब? जब इसके माध्यम से हम क्षेत्रफल लगा लें। तो 1/2 आधार कितना है? ये हो गया आधार। ऊंचाई कितनी हो गई? 4.4। ठीक है ना? तो देखते हैं साथियों, 2 इसको काट देगा 2.2 बार। क्लियर है ना? जब मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो क्या होगा? 6/ दिखाई दे रहा है ना? हाँ, 2.2 यहाँ रह जाएगा साथियों, 3 - 1। कह रहे ना? अब देखो 2 से कट जाएगा, ये 3 बार, 2 से कट जाएगा 1.1 बार। कह रहे ना? जब मैं इसको इधर ले जाऊंगा 3 को, तो स्टेप बन के आएगा साथियों 1.1 - 3 = -1। कह रहे ना? जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, चलो यहाँ लिखा देता हूँ, है ना? ये हो जाएगा 0.3/11। ये हो जाएगा, ये क्या आ रही है? -x। जब इसको मैं सॉल्व करूँगा साथियों तो आएगा 0.3/1.1 = -। माइनस से माइनस हट जाएगा, 0.0 से ये हट जाएगा। ठीक है ना? सही है ना? तो हो जाएगा 3/4 है। ठीक है ना? मैं उसे कट गया ये 2.2 बार। जब इसको लेके जाऊंगा इधर तो हो जाएगा
बटे 2.2, दूसरे कट गया 3 बार, दूसरे कट गया 1.1 बार, इधर ले जाऊंगा 3/1.1 माइनस हो गया। जब इसको सॉल्व करूंगा 1.1 एलसीएम हो जाएगा, माइनस 0.3 बराबर माइनस, तो ये हो गया 3/11 हो गया, ठीक है ना। तो 3/11 क्या आया है, 3/11 आया है साथियों की वैल्यू, ठीक है ना। यानी 3/11 कम करना होगा, क्लियर ना। और 3/11 कम करना होगा किसमें से बताना, किसमें से कम करना होगा, 3 में से कम करना होगा, यानी 3 में से 3/11 कम करना, ये पूछा है। में से कितना कम करना है, 3/11। उसने पूछा परसेंट में बताओ, परसेंट में कितना कम करना है, तो बोलेंगे 100, क्लियर ना। इसके नीचे में एक मान सा था, इसका इंटू इसमें, इसका इंटू इसमें, तो ये हो जाएगा साथियों 3/11 × 3 × 100। ये 3 क्रॉस और 11 की जब डिवाइड 100 में दोगे तो 9 सही 1/11 ही आएगा, क्लियर। ये हो जाएगा आंसर। इस तरह से ये हो गया कॉन्सेप्ट। अब दूसरा कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। देखो अगर आपने परसेंटेज बढ़ा हो, क्या पढ़ाऊँ परसेंटेज, तो उसमें मैंने प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी कराए थे मैंने, और बड़े आसानी से बताया था कि आपको जो परसेंट की वैल्यू होती है वो अगर आपको याद हो रिदम से, तो उसके माध्यम से भी इन क्वेश्चनों को बिगर पेन कॉपी के सॉल्व किया जा सकता है। जैसे बात करें साथियों, 1/2 किसके बराबर होता है, 50%। 1/3 किसके बराबर होता है, 33/3%। 1/4 किसके बराबर होता है, 25% के। 1/5 किसके बराबर होता है, 20% के। 1/6 किसके बराबर होता है, 16/2%। 1/7 किसके बराबर होता है, 14/2%। और 1/8 किसके बराबर होता है, जो होता है 12/1/2% के, ठीक है ना। और आगे बात करें साथियों, 1/9 किसके बराबर होता है, जो होता है साथियों 11/1/9%, ठीक है ना। अगला बोला है 1/10 किसके बराबर होता है, 10% के, ठीक है ना। और 1/11 किसके बराबर होता है, जो होता है 11 यानी 9/1/11%, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है साथियों, जो यहाँ पर आपको अगर इस तरह से एक रिदम याद होगा तो बड़े आसानी से आप आंसर निकाल सकते हैं। अगर क्वेश्चन बोला जाता अगर ऊंचाई बढ़ा दी इतनी, तो उसका बेस कितने परसेंट कम कर दिया जाए ताकि क्षेत्रफल अपवर्तित रहे, कितने परसेंट कम कर दिया जाए, कम की बात कर रहा है ना, तो आपका आंसर ये वाला हो जाएगा, क्लियर है ना। अगर कहता है किसी त्रिभुज की ऊंचाई इतनी बढ़ा दी, तो उसका आधार की लंबाई कितने परसेंट कम कर दे, कम करने की बात कर रहा है, कम कर दे ताकि क्षेत्रफल अपवर्तित रहे। तो कम करने की बोले तो नीचे देखना है आपको, जब इतना तो बढ़ाया है तो कम करने की बात कर, इसका जस्ट नीचे देखना है, तो आंसर ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में क्या दिया था साथियों, 10% बढ़ाया था, है ना। तो आपको 10% से नीचे क्या है, तो 10% से नीचे क्या है साथियों, 9/1/11। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बिगर पेन कॉपी भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट आप लोगों को पसंद आया होगा। तो क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन ये है, यदि किसी त्रिभुज का आधार दूना तथा ऊंचाई आधी कर दी जाए तो परिवर्तन से पूर्व तथा बाद में क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। अच्छा क्वेश्चन है, यानी किसी त्रिभुज का आधार को कर दें दूना
और ऊंचाई को कर दे कितना, आधा। तो बोला है तो परिवर्तन से पहले तथा बाद में क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। तो समझते हैं साथियों, इस प्रकार का क्वेश्चन किस प्रकार सॉल्व करना है। तो ध्यान देना, ये कोई त्रिभुज है, ध्यान देना ये क्या है, कोई त्रिभुज। ए है, ए बी है, समकोण त्रिभुज लेते हैं। अब बता इसका क्षेत्रफल वैसे निकालें कितना होगा, एक बट्टे दो आधार ऊंचाई, ये हो जाएगा। वैसे इतना होगा नहीं होगा, उसने कहा है आधार को दूना कर दें, चलो आधार को दूना कर दिया, चलो तो 2a कर दिया चलो, और ऊंचाई को आधी कर दें, चलो ऊंचाई यहां पर a है ना, इसको आधी कर देते a अपॉन 2। तो पूर्व और बाद के क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ, यानी ये तो पूर्व का क्षेत्रफल हो गया, ये बाद का हो गया, परिवर्तन के बाद का, तो इनका रेशियो पूछा है। तो देखो ये इसको काट देगा, क्लियर है ना, और देखो दो से ये दो क्रॉस हो जाएगा, ये नहीं होगा, हो जाएगा है ना। तो यहाँ पर देखें साथियों, ये बी होगा, यहाँ पर क्या होगा, बी ऊंचाई की बात कर रहा है ना, ऊंचाई आधी कर दी जाए, चलो कोई एक ले लेते, ऊंचाई ले ली है, क्या लिख गया है, तो बी ले लेते, इसे ए कर देते, अब क्लियर हो जाएगा है ना। तो देखो ए से ए क्रॉस हो जाएगा, बी से बी क्रॉस हो जाएगा, पूरा मटेरियल क्रॉस हो गया। जब पूरा मटेरियल क्रॉस हो जाता है तो रेशियो आता है साथियों 1:1, ठीक है ना। तो ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7776 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल के एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है, त्रिभुज का परिमाप है। तो त्रिभुज का परिमाप पूछा है साथियों, तो देखते हैं इस प्रकार का क्वेश्चन प्रकार सॉल्व होगा। जब 3, 4, 5 या त्रिक में चल रहा है क्वेश्चन, तो इसका मतलब क्या है, त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो इसका मतलब ये त्रिभुज कौन सा हो गया, समकोण हो गया, ये 3, ये 4 तो ये 5। रेशियो में 3, 4, 5 का रेशियो है, इसको मैं 3x, इसको 4x, इसको 5x कर लेता हूँ है ना। अब बताओ इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा साथियों 1/2 आधार, आधार कितना 3x इंटू ऊंचाई कितना हो गया 4x। ये किसके बराबर होगा, इसका क्षेत्रफल दिया है ना उसने, तो 7776 दिया है, यानी इसका क्षेत्रफल इसके बराबर होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं साथियों, है ना, दो से ये कट जाएगा 2 बार, ठीक है ना, दो से इसको काट देते हैं, 2 3 6 बचेगा 1, 17 हो जाएगा, 2 8 16 ये कट जाएगा। अब 3 से इसको क्रॉस कर देते हैं, 3 6 8 27 32 18 ये बचेगा। तो यहाँ x इंटू x तो क्या हो गया, x स्क्वायर, और यहाँ क्या रह गया 1296, उसके उठाओगे तो इस पर क्या लग जाएगा, x बराबर हो जाएगा 1296। तो किसका ये वो होता है, वर्ग होता है, ये 36 का होता है, 36 का वर्ग हो गया साथ, ठीक है ना। उसने पूछा है कि इस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करो, तो परिमाप की बात करें तो 5x और 3x 8x और 4 12x हो गया, ठीक है ना, और x की वैल्यू आपको मालूम है, तो 12 × 36 12 6 72 चलाएगी 7, 12 3 36 यानी 43 हो जाएगा, तो 432
सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन बी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इन प्रकार के क्वेश्चनों में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यदि एक समबाहु त्रिभुज की बराब 12 सेंटीमीटर है तो बाहरी त्रिज्या तथा अंत त्रिज्या के बीच का अंतर क्या होगा? यानी बाहरी त्रिज्या और अंत वृत्त की त्रिज्या का अंतर उसने पूछा। देखो अगर आपको याद हो साथियों, मैंने शुरुआत में इस प्रकार के फॉर्मूले आपको लिखा दिए हैं, जैसे ये कोई त्रिभुज है समबाहु, ये कहलाता अंतवृत्त इसके अंदर बना हुआ, और ये कहलाता साथियों आपका बाह्यवृत्त। तो इसकी जो त्रिज्या है और इस बड़े वाले वृत्त की जो त्रिज्या है उसका डिफरेंस पूछा है, तो सीधी बात है बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या ज्यादा होगी और अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या कम होगी। तो बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या ज्यादा होगी और अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या कम होगी, यानी इन दोनों का डिफरेंस पूछा। क्लियर है ना? अब मुझे ये बताओ साथियों, जब भी समबाहु त्रिभुज के अंदर और बाहर की ओर वृत्त बने हों तो उसकी त्रिज्या निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया, यानी जब भी आपको बाह्य वृत्त का बाहरी वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, यानी ये वाली त्रिज्या आपको निकालनी है, तो बताया था ए अपॉन टूटती फॉर्मूला बताया था मैंने, बाहरी वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए ये फॉर्मूला बताया था, अंत वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए मैंने आपको बताया था ए अपॉन 2√3 बताया था। ये अंत वृत्त की त्रिज्या इसके माध्यम से निकाल सकते हैं और बाह्य वृत्त की त्रिज्या इसके माध्यम से निकाल सकते हैं, और ए क्या है, इस समबाहु त्रिभुज की भुजा, क्या है भुजा, तो भुजा कितनी दी है 12 दी है। चलो तो मैं यहाँ पर 12 लिख लेता हूँ और यहाँ भी 12, इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, माइनस लगा देते हैं, ठीक है ना। अब बताओ 2 से ये कट जाएगा कितनी बार, 6 बार। क्लियर है ना? जब बेस इक्वल होता है साथियों, बेस इक्वल है ना, तो अंशों को घटा दिया जाता है, 12 में से 6 कम करोगे कितना आएगा, 6 आएगा, बेस में कितना रहेगा, √3 रह जाएगा, तो जब सॉल्व किया जाएगा तो ये आएगा, ठीक है ना। जब इसका परिमेयकरण करोगे साथियों, ऊपर भी √3 का इंटू और नीचे भी √3 का इंटू, ठीक है ना, √3 से 3 बन जाएगा ये, ऊपर 6√3 हो जाएगा, दिक्कत इसको काट देगा कितनी बार, 2 बार, तो ये हो जाएगा साथियों 2√3 ना, हो जाएगा 2√3, यानी दोनों त्रिज्याओं में जो अंतर होगा, डिफरेंस होगा, वो होगा 2√3। उम्मीद करते हैं साथियों क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ जाना चाहिए, बड़े आसानी से निकाल सकते हो, केवल आपको कितना मालूम होना चाहिए, अंतर्वृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है वो मैं बता चुका हूं, अंतवृत्त की त्रिज्या होती है ये वाली ए अपॉन 2√3, और बाह्य वृत्त की त्रिज्या होती है साथियों ये ए अपॉन 2√3, दोनों का डिफरेंस उसने पूछा है, तो इसमें कुछ नहीं है, वैल्यू पुट करो सॉल्व करो, डिफरेंस अपने आप निकल के आएगा, ठीक है ना। तो साथियों अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना साथियों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, यदि दो समबाहु त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 1:2 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? देखो दो समबाहु त्रिभुज हैं जिनकी भुजाओं का अनुपात 1:2 बताया है, यानी एक समबाहु त्रिभुज ये हो गया, थोड़ा सा ले लिया, एक थोड़ा सा बड़ा ले लिया, कि भुजाओं में क्या रेशियो, अगर ये 1 है तो ये कितना होगा, 2 होगा, ये 2 है तो ये 4 होगा, दूना चल रहा है, तो पूछा है इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल अगर हम निकालें साथियों तो √3/4 भुजा स्क्वायर, इसकी भुजा कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे, क्षेत्रफल ये हो गया, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये भी समबाहु त्रिभुज है तो √3/4 भुजा स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत।
इन दोनों का रेशियो पूछा है, तो रेशियो का मार्क लगा दो। इसने इसको काट दिया, क्या आएगा एक, और ये हो जाएगा कितना चार, तो आपका आंसर हो जाएगा 1:4, 1:4 आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन कौन सा हो गया, चौथा ऑप्शन हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो क्लियर हो जाना चाहिए, इतने टफ क्वेश्चन नहीं है, बड़े आसानी से आप लोग इन क्वेश्चनों को निकाल सकते, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, गर्मी काफी बढ़ रही है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा देखते हैं। ए रुक जा भाई रुक जा, हाँ अगला क्वेश्चन आपके सामने है ना। यदि किसी समबाहु त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है, तो त्रिभुज की हर भुजा की लंबाई क्या होगी। हर भुजा की लंबाई पूछी है, तो उसकी लंबाई तो बराबर होगी तीनों भुजाओं की, समबाहु त्रिभुज है तो, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मैं इंक डाल लेता हूँ, जब तक तुम आप लोग अपना माइंड लगाओ तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहना चाहिए। तो साथियों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें आप लोग, है ना, क्योंकि हमारे चैनल पर सब्सक्राइबरों की बहुत कमी है। जिस प्रकार का मैं मटेरियल मैं आप लोग को दे रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग व्यू काफ़ी कम आते हैं, यानी मेरी मेहनत भी वसूल नहीं हो रही। तो मेरी मेहनत भी वसूल हो और मुझे पढ़ाने में भी आनंद आए, तो ऐसा माहौल बना दो साथियों, है ना। आप लोगों से रिक्वेस्ट है ये मेरी, तो देखते हैं साथियों, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, यानी किसी समबाहु त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान, यानी परिमाप, परिमाप किससे बड़ा बताया है, किसी त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है, यानी परिमाप किसके बराबर है, क्षेत्रफल का कितना गुना बताया है, √3 गुना बताया है। क्लियर है, √3 का इंटू कर देंगे क्षेत्रफल में, तो परिमाप जो इसके बराबर है, क्लियर है ना। तो पूछा है उसकी भुजा क्या होगी, तो परिमाप आप लोग जानते हो, जब त्रिभुज की बात चलती है तो त्रिभुज आपका कौन सा हो गया, ये हो गया समबाहु त्रिभुज है, ये ए है, तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, तो परिमाप हो जाएगा साथियों 3a, कितना हो जाएगा 3a हो जाएगा, क्लियर है ना। अब आते हैं क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल होता है साथियों √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है, और आगे क्या है √3, यानी परिमाप किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, यानी ये वैल्यू इसके बराबर होगी, ये परिमाप के स्थान पर ये लिखूंगा और इसके स्थान पर ये लिखूंगा, कोई दिक्कत बताओ। √3/4 भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर, चलो यहाँ तक क्लियर। हाँ अब देखते हैं साथियों, ए इस स्क्वायर को उड़ा देगा, कोई दिक्कत, √3 का इंटू जो √3 से होगा 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3, और 3 से ये 3 क्रॉस हो जाएगा, कहने का मतलब क्या है, जब इंटू इसमें करूंगा 3 हो जाएगा, बट्टे में 4 होगा इंटू ए होगा, तो 3 से 3 क्रॉस हो जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, तो ये x यानी a आ गया, कितना आ गया a आ गया, तो a क्या है, इस त्रिभुज की भुजा आ गई, तो त्रिभुज की भुजा ही उसने पूछी है, तो बोलेंगे 4 यूनिट, क्या बोलेंगे 4 यूनिट, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो बड़े आसान क्वेश्चन है, केवल प्रैक्टिस करने की आप लोगों को आवश्यकता है, अगर आप लोग प्रैक्टिस करते रहोगे तो यही क्वेश्चन सेकेंडों में आप बना सकते हो। अगला क्वेश्चन काफी खतरनाक है, क्वेश्चन क्या है समझते हैं। किसी त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर और उसका क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है,
तो उसकी सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी? अब हमें तो मालूम नहीं कौन सा त्रिभुज है, समबाहु है या विषमबाहु है, ठीक है ना। तो जब भी आप लोग ये डिस्कस ना कर सकें कि कौन सा त्रिभुज है, तो आपके लिए एक ही रामबाण बचता है, विषमबाहु त्रिभुज। क्योंकि उसका एक फॉर्मूला ऐसा है साथियों, चाहे त्रिभुज किसी भी तरह का हो, किसी में लगा दो सबका आंसर निकाल देता है, ठीक है ना। तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहे आप समकोण त्रिभुज में लगाएं या समबाहु त्रिभुज में, किसी भी क्षेत्रफल में लगा दो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं साथियों, पहले मुझे क्या निकालना है, एक त्रिभुज क्रिएट कर लेना है मुझे, इससे आप लोगों को समझ में आई। यानी कहने का मतलब ये कोई त्रिभुज मैंने बना लिया, ठीक है ना, इसका परिमाप 30 है। इसका परिमाप कितना है? 30। तो एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। एस कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, है ना, जो अर्ध परिमाप। और इसका क्षेत्रफल दिया है साथियों 30, ठीक है। यदि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा 13 है, चलो 13 इसको मान लेते हैं, जब परिमाप इसने कितना दिया है? परिमाप इसने दिया है साथियों क्या है, ठीक है ना। तो 30 में से 13 यहाँ चला गया, अब बचा कितना? अब बचा केवल 17। 17 इस भुजा का योगफल होगा, है ना, 17 इस भुजा और इस भुजा का योगफल होगा, क्योंकि परिमाप होता है ना, तीनों भुजाओं का योगफल होता है। परिमाप 30 हो गया पूरे का, ठीक है ना। इसमें से एक भुजा उसने दे दी 13, तो बच्चा कितना? 17 बच्चा। तो इसका मतलब ये भुजा इस भुजा का योगफल कितना होगा? 17 होगा, कोई दिक्कत। चलो मैं इसको मान लेता हूँ एक्स, और ये हो जाएगा 17 - x, बताओ कोई दिक्कत। तो मैंने इसकी सारी भुजाएं बना ली इस तरह से। अब मुझे निकालना है इसका क्षेत्रफल, क्या निकालना है? क्षेत्रफल। अर्ध परिमाप आपको मालूम हो गया 15 है, कि परिमाप का आधा अर्ध परिमाप होता है। एस की वैल्यू कितनी हो गई? 15। बाकी मटेरियल मैं हटा दे रहा हूँ, है ना। और इसका क्षेत्रफल दिया है साथियों, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है? त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 30 वर्ग सेंटीमीटर। और इस क्वेश्चन को मैं हटा देता हूँ। हाँ तो देखते हैं साथियों, क्षेत्रफल कौन सा त्रिभुज है? ये विषमबाहु। तो एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस क्षेत्रफल दिया है 30, तो 30 लिख लूंगा मैं, ठीक है ना। एस कितना है? 15, अभी मैंने निकाला था ना 15। अब देखो एस माइनस ए, तो इसको मैं ए मान लेता हूं। हाँ तो लिखते देती है, है ना, 15 - 3, कोई दिक्कत। 15 माइनस इसमें से एक्स कम कर देंगे, और 15 माइनस इसमें से ये कम करना, 17 माइनस, ठीक है ना। तो इस तरह से मैंने इसको लगा दिया। अब समझते हैं साथी, थोड़ा टफ क्वेश्चन है, इतना आसान नहीं है। तो 15 हो गया साथियों 2, ये तो कुछ नहीं होने वाला, ये तो ऐसा रहेगा 15 - 3। हाँ माइनस अंदर जाएगा, तो 15 - 17, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और इस पे लगा देते जैसे रूट, तो 15 दूनी, ठीक है ना, एक कर तो दिया मैंने सॉल्व, फिर ये इसको क्यों लिखने दिया, ये उठा देंगे ना, वैल्यू 2 हो गई ना, ठीक है ना। ये लिखना था मुझे 15 माइनस है, ये वैल्यू ये हो गई, इसकी वैल्यू ये हो गई, ठीक है, इसकी वैल्यू ये हो गई, ये क्लियर है ना। अब देखते हैं साथियों, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ रहेगा -2 + x, क्या रहेगा? -2 + x हो जाएगा। तो यहाँ ले देता हूँ साथियों -2 + x, क्लियर है ना। इसका इंटू तो ये हो गया, चलो इसका इंटू कर देते इस कोष्टक में, 15 दूनी, ठीक है ना, और 15 x, ठीक है ना, और इसका इंटू जब इसमें करूँगा तो +2x, इंटू इसमें करूंगा तो -x, ठीक
बताओ। तो ये हो जाएगा साथियों 10 टू इसमें कर देते हैं माइनस 900, इसका इंटू इसमें कर देते हैं 15 × 3 = 45, 450, और इसका इंटू कैसे करते हैं वो जोड़ लेते हैं 17x हो जाएगा ना, 17x, 17x में 30 का इंटू कर दूँ, 17 × 3 = 51, इसका हो गया। और 30 का इंटू इसमें कर दूँ माइनस एक्स, इक्वल में क्या है ये है, यहाँ तक कोई दिक्कत होता किसी को। अब क्या करेंगे, इस रूट को हटाना है दोनों ओर वर्ग करने पर, तो दोनों ओर वर्ग करूँगा ये हट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 900 हो जाएगा, 30 का वर्ग 900 हो गया, यहाँ कितना हो गया 900 प्लस 510x माइनस एक्स, ठीक है ना। जब मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा 28, सारे को एक साइड ले लेते हैं ना, सभी को एक साइड ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा -510x, और ये तो ये हो जाएगा 1800, 900 900 1800 हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें से कॉमन निकाल देते हैं साथियों 30, बोले क्या बचा 0 बचा, क्लियर ना। 30 कॉमन निकाल दो तो यहाँ रह जाएगा एक्स स्क्वायर, 17 × 3 = 51, ये हो जाएगा 0 से 0 3 18 60 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखें इसके फैक्टर में 12 × 60 होता है ना, तो इसको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 2x 5x, 12 × 60 ऐड करोगे तो यही आएगा, और प्लस 60 = 0, इसमें से कॉमन निकाल देते हैं एक्स, एक्स माइनस 12 से 5 कॉमन निकल आया, तो एक्स माइनस 12 = 0, तो ये एक्स माइनस 12 और एक्स माइनस 5 = 0, तो एक्स की दो वैल्यू आएंगी, एक तो आएगी 5 और एक आएगी 12, ठीक है ना। इसका मतलब जब ये 5 है तो ये कितना होगा 12 होगा, अगर ये 5 है तो ये 12 होगा, यानी इनमें से एक 5 होगा एक 12 होगा, उसने पूछा क्या है, समझ में आ गया होगा ना, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो मुझे देखना है इसका क्या पूछा था इसने, क्या पूछा है, पर क्वेश्चन कई खुल गए, खोलना तो मुझे एक था, दो दो तीन तीन क्वेश्चन कैसे खुल गए, तो ये भी नहीं पता था, ये भी नहीं है, तो कौन सा क्वेश्चन था फिर, क्वेश्चन कहाँ गोल हो गया फिर, ये लाइट में क्या है कीड़े घुस रहे, तो कौन सा है, तो यार हाँ ये वाला था, क्या पूछा है उसने, इसकी सबसे छोटी भुजा क्या होगी, तो सबसे छोटी भुजा 5 हो जाएगी साथियों, है ना 5, ऑप्शन थर्ड, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब, ये क्वेश्चन तो मैंने कल की क्लास में कराया है, देख लेना आप, है ना, इसे देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में दो मात्रक
वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में 3+√3 वर्ग मात्रक की वृद्धि हो जाएगी। उस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी, यानी समबाहु त्रिभुज है। क्लियर है ना? तो कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। यानी पहले कोई त्रिभुज था, ये वाला समबाहु त्रिभुज, इसकी भुजा ए थी। अब बोल रहा है यदि प्रत्येक भुजा में 2 मात्रक की वृद्धि कर दी जाए, चलो तो 2 मात्रक की वृद्धि कर दूंगा, थोड़ा बड़ा बन जाएगा इस तरह से। अब वो ये हो गई भुजा इसकी a+2 हो गई। चलो अब भुजा इसकी ये हो गई, तो क्षेत्रफल में 3+√3 वर्ग मात्रक की वृद्धि हो जाती है। यानी इतनी करने पर वृद्धि हो गई है। वृद्धि का मतलब क्या है, इसके क्षेत्रफल और इसके क्षेत्रफल में साथ ही जो डिफरेंस है वो कितना है, 3+√3 का डिफरेंस है, +√3। कहने का मतलब ये है, यानी इस बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल और इसके क्षेत्रफल में जो डिफरेंस आएगा वो इतना आएगा। वो किसके कारण हुआ है, जब 2 मात्रक यूनिट इसकी भुजा बढ़ा दी जाती है। क्लियर ना? यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब आपको करना क्या है, इसके क्षेत्रफल में इसका क्षेत्रफल कम करो, इक्वल में इसे रखो, अपने आप ए की वैल्यू निकल आएगी। क्लियर ना? तो एक बार मैं क्वेश्चन को उठा देता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन है, जिस पर ध्यान रहे 38, ठीक है ना? तो मैं इसको बता देता हूँ आपको। हाँ, तो इसका क्षेत्रफल बात करें साथियों, तो √3/4 भुजा उसके यार क्या क्या है, a+2 माइनस ये वाला, इसका क्षेत्रफल भी यही होता है, √3/4 भुजा उसके, इसकी भुजा कितनी है, ए है, ए स्क्वायर। इक्वल में कितना लिखना है, 3+√3 लिखना है यहाँ पर, है ना? स्पेस नहीं है, लिख देता +√3 ना। अब बताओ इसमें से कॉमन क्या निकाल सकता हूँ, √3/4 निकाल सकता हूँ, √3/4 मैंने निकाल दिया कॉमन, अंदर क्या रह गया, ये रह गया और यहाँ पर रह गया ये वाला, ये क्या फॉर्मूला बन गया। ओपन करते हैं, a² + b² + 2ab यानी 4a हो गया। क्लियर है ना? और यहाँ कितना हो गया, -a² = 3+√। क्लियर है ना? इसने इसको काट दिया, 4 कॉमन निकाल सकता हूँ इसमें से, क्या निकाल सकते, तो एक स्टेप बढ़ा देते, बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो ले सकते हैं 4+4a = 3+√। इसे 4 कॉमन निकाल दूंगा, चलो मैंने 4 कॉमन निकाल दिया, यहाँ पर रह जाएगा 1 और यहाँ रहेगा केवल, क्लियर है ना? 4 इस 4 को काट देगा, क्लियर है ना? इसका इंटू इसमें कर देते हैं, चलो कर देते हैं, ठीक है ना? इधर ले आते हैं, चलो इसको इधर ले आते हैं ना, तो हो जाएगा साथियों 1+a = इसको भी मैं इधर ले गया, +√3 अपॉन में क्या आएगा, √3 आ जाएगा। क्लियर है ना? अब बताओ एक को जब मैं इधर ले जाऊंगा माइनस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, चलो मैं इसको भी इधर भेज देता हूँ, -a तरह से हो जाएगा। क्लियर है ना? जब मैं इसको सॉल्व करूँगा साथियों तो क्या आएगा, यहाँ पर बता रहे आऊँ, ठीक है, a = हो जाएगा 3+√3 - √3/√3 ये हो जाएगा, जब भी इसको सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि मैं इसको इस तरह ले सकता हूँ, 1/1 ले सकता हूँ, है ना? तो LCM हो जाएगा ये वाला, तो इसको सॉल्व करो ये हो जाएगा। अब देखो ये प्लस का है, ये माइनस का कट जाएगा, ऊपर क्या बचा, 3 बचा, नीचे क्या बचा, √3 बचा, इसका परिमेयकरण कर देते हैं, ऊपर √3 का इंटू, नीचे भी √3 का इंटू, ठीक है ना? तो देखो जब इंटू करूँगा तो 3√3 ये हो गया, 3√3 ये हो गया साथियों 3, जब इसका इंटू इसमें करूँगा, है ना, इसको काट देगा तो कितना होगा √3,
ये हो जाएगा, इसकी वजह कितनी आएगी, रूट तीन आएगी। तो उसने पूछा क्या था, उसने पूछा क्या था, देखते हैं किधर गया किधर गया। हाँ, उसने पूछा था लंबाई कितनी है, यानी उस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है। तो उस त्रिभुज की भुजा की लंबाई कितनी आई थी, रूट तीन आएगी, आएगी रूट तीन। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना साथियों। तो अभी क्वेश्चन तो काफी है अभी, चलो कल और क्लास लगा देते हैं इसकी, ठीक है ना, कल और क्लास लगा दी जाएगी, जिससे जो भी क्वेश्चन अभी बचे हैं वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे, है ना साथियों। तो साथियों, जैसे कि आप लोगों को मालूम है, आज हमने काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए, क्योंकि आज नेटवर्क हमारे साथ नहीं था, तो सोचा आप लोगों के लिए ऑफलाइन ही प्रोवाइड की जाए। तो ऑफलाइन वीडियो भी ऐसी बात नहीं है, माध्यम से आप लोग ना सीख, काफ़ी चैनल तो ऑफलाइन प्रोवाइड करते हैं, ऑनलाइन तो बहुत ही कम चैनल हैं। तो इसलिए जब भी कोई दिक्कत आती है तो हम आपके लिए अपना मटेरियल प्रोवाइड करते रहेंगे, ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी व्यवस्था बनती है। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आती है साथियों तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, सबके लिए, सभी बच्चों के लिए, सभी साथियों के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।